हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ हायरार्की इन टीसीएस की। यानी हायरार्की का मतलब ये होता है कि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं टीसीएस, तो उससे ऊपर आप कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो गाइस, हम एक एक डेजिग्नेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए बना रहे। सबसे पहले गाइस, जब आप टीसीएस को ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर, तो आपको असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट दी जाती है, एएससी ट्रेनी। और जब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो उस टाइम तक आपको एज ए ट्रेनी रखा जाता है और आपकी पैकेज वही 3.35 जिस पैकेज पर आप हायर हुए हैं वही रहती है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपका जब ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, तब आप बन जाते हैं असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। ठीक है गाइस, ये जो असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर आप बनते हैं, ये लगभग आप एक साल तक रहते हैं। तो एक साल बाद क्या होता है, आपका डिजिग्नेशन बढ़ता नहीं है, छोटा ही हो जाता है। मस्त जोक मार। इन कंपैरिजन टू नेम मैं बोल रहा हूँ, मतलब डिजिग्नेशन तो बढ़ता ही है, असिस्टेंट हट जाता है, सिस्टम इंजीनियर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप पहुँच जाते हैं एक अप लेवल पर, यानी ट्रेनी के बाद असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर, फिर बन गए आप सिस्टम इंजीनियर। सिस्टम्स इंजीनियर में आपको वही पैकेज रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। 3.5 से ज्वाइन किया तो आपने 50-60 हज़ार आपका बढ़ जाएगा, आप 4 लाख तक हो गया। उसके बाद फिर आपकी चलती रहती है प्रोसेस। फिर आपका जब 3 साल कंप्लीट हो जाता है, 3 साल किसी लोगों का मैंने देखा है, किसी का 4 साल हो जाता है, तब आपको बनाया जाता है ITA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। तो ITA पोजिशन पर थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, आप थोड़ा सा जो आपका लीड है उसके टच में आ जाते हैं, वो आपको थोड़ा ज़्यादा टास्क देता है, जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा कम देता है। तो थोड़ा पैकेज भी आपका बढ़ता है, लगभग 4.5-5 के करीब आप पहुँच जाते हैं, 4.8 तक आपका पैकेज हो जाता है ITA में। तो फिर आपकी ITA वाली जर्नी थोड़ी चलती है लंबी, यानी 7-8 साल तक ITA ही रहते हैं आप। उसके बाद आपको एक प्रमोशन दिया जाता है जिसको बोला जाता है असिस्टेंट कंसल्टेंट। असिस्टेंट कंसल्टेंट जब आप एज ए फ्रेशर TCS आपने ज्वाइन किया है, तो आपका पैकेज वही 8-9 रहेगा। कितना बढ़ाएंगे TCS, वही 4-5-7% बढ़ाते हैं, तो वही 8-9 तक रहेगा असिस्टेंट कंसल्टेंट बनने तक। और जो नए लोग ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट कंसल्टेंट, उनको थोड़ा उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से समझिए 10 के ऊपर या 12-15 तक दिया जाता है। अगर आप ITA भी एज ए बाहर से डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, यानी 3-4 साल काम करने के बाद, तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 7-10 तक, 11 तक भी 12 तक भी आजकल दिया जा रहा है। तो इस तरह से चलता है ITA का भी। फिर जब आप असिस्टेंट कंसल्टेंट जब बन जाते हैं, तो उसके समझिए 3-4 साल तक आपको थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यानी आप समझिए 7-8 साल में असिस्टेंट बन गए, तो आपको 10-11 साल तक, 12 मैं मानता हूँ, मिनिमम रख लीजिए 12 साल तक अगर आप रहेंगे, तो आपको बना दिया जाएगा एसोसिएट कंसल्टेंट। जब आप एसोसिएट कंसल्टेंट बन गए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ गई, आप समझिए एक लीड टाइप के हो गए, और आपका पैकेज बढ़कर, अगर आपने धीरे धीरे अच्छा अच्छा काम किया है और मैनेजर के अच्छे से टच में है, तो आपको समझिए 15+ तक पहुँचा दिया जाएगा। और अगर आप मान लीजिए नए ज्वाइनी हैं, किसी और कंपनी से आए हैं, तो आपका जो पैकेज होगा एसोसिएट कंसल्टेंट में 20 के अराउंड होगा। तो ये मैं बस एक रफ फिगर बता रहा हूँ, रियलिटी में कुछ भी और भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। जो मैंने सुना है लोगों से, जो मैंने पढ़ा है, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप एसोसिएट कंसल्टेंट रहेंगे 4-5 साल तक। ये साइकिल जो होता है एसोसिएट कंसल्टेंट से कंसल्टेंट बनने का, ये थोड़ा लंबा चलता है। 15-16 साल के एक्सपीरियंस पे जब आप आ जाएंगे, तब आप बन जाएंगे कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का रोल थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, वो समझिए एक काइंड ऑफ आर्किटेक्ट होता है, वो काफ़ी चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करता है, वो समझिए दूसरे जो क्लाइंट्स हैं उनके टेक्निकल लोगों से बात करता है प्रोजेक्ट के बारे में, कैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, कैसा ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, इस तरह के जो बड़े बड़ी चीज़ें होती है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, उस पर कंसल्टेंट लोग बात करते हैं। वो अपने लीड जो होते हैं हमारे एसोसिएट कंसल्टेंट और असिस्टेंट कंसल्टेंट, उनको समझाते हैं कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, प्रोजेक्ट को इस तरह से चलाना है कि
लाइक इसकी इसमें ज़्यादा एरर ना आए, ज़्यादा इसमें टेस्टिंग की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह से वो थोड़ा इंस्ट्रक्टर टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। कंसल्टेंट बनने के बाद, कंसल्टेंट बनने के लाइक समझिए 15 साल आप बाद बन गए कंसल्टेंट, तो फिर आपका 3-4 साल बाद फिर एक लाइक प्रमोशन होता है जिसमें आप बन जाते हैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट। यानी समझिए आपको अब थोड़े और प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, 4-5 प्रोजेक्ट का एक साथ आपको आर्किटेक्चर देखना होगा, इस तरह से आपकी थोड़ी और लाइक समझिए कंपनी में आपका रुतबा बढ़ जाएगा, आप थोड़े और बड़े आदमी बन जाएंगे। और आपका पैकेज जब कंसल्टेंट बन जाएंगे तो लगभग 25 प्लस रखिए, एसोसिएट कंसल्टेंट पे आप 20 के अराउंड रहेंगे, तो यहाँ पे 25 से 30 तक मान लीजिए कंसल्टेंट में हो जाएंगे, कम ज़्यादा भी हो सकता है। इस पे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सोलली डिपेंड करता है कि आप किस वक्त हायर हुए हैं और कैसे आपको लाया गया है कंपनी में। तो इस तरह से गाइस कंसल्टेंट तक लोग जाते हैं, कंसल्टेंट तक जा पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आईटी में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, कई लोग अपना स्टार्टअप खोल लेते हैं, कई लोग अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, कई लोग यूट्यूब पे भी आ जाते हैं। तो ये था गाइस लाइक कंसल्टेंट तक की बात। कंसल्टेंट के बाद गाइस क्या होता है, आपका लाइक 20-22-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको फिर प्रिंसिपल कंसल्टेंट बना दिया जाता है। ये और ही और बड़ा पोस्ट है, काफ़ी टेक्निकल पोस्ट है। इन लोगों को समझिए ये कंपनी के वैसे लोग हुए जो कि इनोवेशंस की बात करते हैं कि टीम को ऐसे चलाया जाए, टीम में ऐसी ऐसी तब्दीली की जाए, इस तरह का जो होता है मामला ऊपर का उस लेवल पे ये बात करते हैं, CTO से टच में रहते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट। प्रिंसिपल कंसल्टेंट के बाद लाइक गाइस मैंने सुना है जैसा कि TCS में आप VP बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद आपको फिर वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो बहुत बड़ी बात है। तो अराउंड आप लाइक अपना करियर का समझिए 70-85% ख़त्म कर चुके हैं इयर्स, उसके बाद आपके 4-5 साल बचते हैं करियर के, उसमें आप अच्छे परफॉर्मर हैं एज ए VP, तो आपको धीरे धीरे मान लीजिए अगर आप वहाँ पे कंपनी में जगह है तो आपको लाइक चांस मिल गया तो आप CEO CTO इस टाइप के पोस्ट पर चले जाएंगे। अगर आप CTO बन गए तो आप जानते ही हैं कि कितना हाइक होगा, स्क्रीन पर देख रहे होंगे CTO को कितना हाइक मिल जाता है। तो इस तरह से गाइस हायरार्की चलती है TCS में। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की TCS लाइक कहाँ से लाइक 3.35 से कहाँ तक लोगों को दे सकता है पैकेज, एक रफ फिगर मैंने लिया यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं अगर TCS में पूरे टाइम बना रहा हूँ तो कितना कमाऊँगा, या स्विच करके इधर उधर से वापस आऊँ तो मैं कितना तक कमा सकता हूँ। इसलिए ही मैंने आपको ये वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश की। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि IT में क्या क्या चल रहा है और क्या हमें करना चाहिए, इन सब टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो गाइस आप हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास और लाइक कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई करता हूँ, जिसका मैंने इंस्टा हैंडल यहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर आप भी जाकर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।